हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी लोग जो है जल्दी से अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, ताकि सेशन को जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन जो स्पीड, आज के स्पीड टेस्ट में जो है 40-45 क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं तो आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और अपने दोस्तों को भी आज के इस सेशन की लिंक को शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो की में जो क्वेश्चंस को शामिल किया जाए उसका बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, डाउनवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इंटू सॉइल फ्रॉम अ सोर्स सप्लाई इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें आप सभी लोग। तो यहाँ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन सेकंड आंसर आ रहा है, अर्जुन आंसर सेकंड कर रहे हैं, परकोलेशन। ओके, एक स्रोत की आपूर्ति से मिट्टी में पानी के नीचे और पार्श्व गति के रूप में जाना जाता है। के वैष्णवी, ऑप्शन सेकंड और सेकंड आंसर आ रहा है यहाँ पे, परकुलेशन, डाउनवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट। ओके, थर्ड ऑप्शन थर्ड भी आ रहा है यहाँ पे, लीचिंग मीन्स होता है बह जाना, बहाव को ही बहाव को कहते हैं, लीचिंग जो होता है आपका बहाव, यहाँ पे सेकंड आ रहा है। ओके, चलिए आंसर करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, विश्वास, हाँ प्रसन्नजीत पर विश्वास, ऑप्शन सेकंड शायद मार्क कर रहे हैं, और राम्य ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ एंड लेटरल, लेटरल यानी कि साइड से, तो यहाँ पे जो पानी का जो मूवमेंट होता है उसकी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पे, सीपेज। क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? सीपेज होगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पे, क्योंकि जो परकुलेशन होता है उसमें जो है आपका शिपेज ने वो डाउनवर्ड ही चलता है, परकुलेशन, और लास्ट स्टेज जो होती है आपकी डीप परकुलेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पे, सीपेज इज अ राइट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासिटिक वीड इज, आंशिक जड़ परजीवी खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? लोरेंथस या फिर ऑर्नोबेनेट, कैस्कट, कैस्कटा और स्ट्रिगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें आप सभी लोग यहाँ पर, तो स्ट्रिगा फोर्थ आंसर आ रहा है सभी लोग यहाँ पे, अमोल, राम्या, संदेश, सभी लोग ऑप्शन फोर्थ को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं अमानी, अखिलेश, परमेश्वर, सभी लोग आंसर परमेश्वर ऑप्शन थर्ड को मार्क करें। चलिए आंसर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा, स्ट्रिगा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉमन इमेजिथेपायर हर्बिसाइड इज यूज टू मैनेज वीड्स इन स्टैंडिंग क्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन पर, थर्ड का आंसर करें आप सभी लोग। वीट होगा, मस्टर्ड, क्लस्टर बीन या फिर मैज। अर्जुन ऑप्शन फर्स्ट, श्वेता ऑप्शन थर्ड। तो सभी लोग आंसर करते रहिए, ऑप्शन थर्ड आ रहा है, आकांक्षा, संदेश। ओके, चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर होगा, जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन थर्ड को मार्क किया वो सभी लोग सही हैं, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, क्लस्टर बीन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एनुअल प्रिसिपिटेशन टू पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन फॉर सेमी अराइड रीजन इज। तो सेमी अराइड रीजन जो होते हैं क्षेत्रों के लिए भाप से वाष्पोत्सर्जन के प्रति वार्षिक वर्षा का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो सभी लोग आंसर करते रहें कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या होगा। सेकेंड भी आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आंसर करते रहें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ओके, अजय ऑप्शन थर्ड, राम्या, अमोल सेकेंड। तो आंसर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सेमी एराइड जो रीजन होते हैं वहाँ पे जो
रेशियो ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो आपका है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इस ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर, 0.20 to 0.50 इसका जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉयल डिग्रेडेशन इज मोस्ट डोमिनेटेड इन ड्राई लैंड्स ऑफ ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट। तो सेकंड आंसर आ रहा है वाटर इरोजन, वो अर्जुन ने यहाँ पे आंसर किया है सबसे पहले, ऑप्शन सेकंड को मार्क कर रहे हैं। तो सभी लोग आंसर करते रहे इस क्वेश्चन का। ओके, विंड इरोजन भी आंसर आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, सचिन ऑप्शन फर्स्ट, अमोल सेकंड। फर्स्ट प्रश्न जीत, ऑप्शन फर्स्ट संदेश फर्स्ट और वैष्णवी सेकंड, फर्स्ट कर रहे हैं वैष्णवी भी, ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट। चलिए आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, वाटर इरोजन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम लैंड और पोर्शन ऑफ इट साइमल्टेनियसली और सिक्वेंसली फॉर फोडर फूड एंड फ्यूल इज नोन एज। चारे भोजन और ईंधन के लिए एक ही भूमि या इसके हिस्से का एक साथ या क्रमिक रूप से उपयोग करने की अवधारणा के रूप में जाना जाता है, तो वो किस रूप में जाना जाता है यहाँ पे आपको बताना है। ले फार्मिंग कहते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बोलेंगे, हॉर्टी होता है, या फिर होगा आपका फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री। तो अमानी ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड दीपू थर्ड एग्री करके हैं ऑप्शन सेकेंड को, ले फार्मिंग वैष्णवी रेड्डी। ओके कम्युनिटी फोर्थ सेकंड, तो सभी आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर, हॉर्टी पोस्टरल सिस्टम यानी कि उद्यान देहाती प्रणाली उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर, जिसमें कि हम चारे के लिए भोजन और ईंधन तीनों के पर्पज़ के लिए जब हम लैंड का यूज़ करते हैं, जिस हम मेथड का यूज़ करते हैं, तो उसको बोला जाता है हॉर्टी पास्टरल सिस्टम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ नेपियर ग्रास इज, नेपियर ग्रास का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैनिकम मैक्सिमम मैक्सिमम या फिर पैनिसेटम प्योरपेरियम या साइटोसेंथेस ग्यूनेसिस या ऑप्शन सेकेंड आंसर आ रहा है यहाँ पे। आकांक्षा दीपू प्रसन्नजीत विश्वास ऑप्शन सेकंड को मार्क करें यहाँ पर, सेकंड सेकंड। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर जो ऑप्शन सेकंड ही होगा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेपियर जो ग्रास होता है उसका साइंटिफिक नेम जो है पेनिसेटम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मक्का एक उदाहरण है ऑप्शन सेकेंड, C4 प्लांट के आंसर आ रहा है C4 प्लांट। तो यहाँ पे आंसर जो है C4 प्लांट ही होगा, ऑप्शन सेकंड आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो कि C4 प्लांट और C3 प्लांट, C4 प्लांट और C3 का एक मेजर अगर डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, एक लॉजिक है कि कमर से ऊपर के जो पौधे होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं कमर से ऊपर के अपनी क्रॉपिंग में, तो वो जो है आपके C4 प्लांट्स होंगे, और जो कमर तक या उसके नीचे होते हैं उन्हें हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, इससे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि C4 प्लांट्स वो होते हैं जो आपकी कमर से ऊपर के होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब बाजरा हो गया, ये सब क्या है आपके C4 प्लांट्स हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम एवरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर राइपनिंग ऑफ हीट इज अबाउट। तो यहाँ पे आपका हाँ वो तो होता है, लेकिन जो मैंने लॉजिक बताया आपको ये एक आप इसे एक ट्रिक के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें यहाँ पे, फ्रेंड्स यहाँ पे व्हीट हीट नहीं होगा, यहाँ पे राइपनिंग ऑफ व्हीट होगा, राइपनिंग ऑफ व्हीट। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ ही होगा यहाँ पे, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लोरेसेंस ऑफ सुगर कैन इज टेक्निकली
नोन एज गन्ने की इन्फ्लोरेसेंस को जो है किस तकनीक के रूप में जाना जाता है? आकांक्षा सेकंड, यहाँ पे परमेश्वर ऑप्शन फोर्थ, बोल्ड और एरो भी आंसर आ रहा है, एरो एरो सेकंड आंसर आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th का। हाँ बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड जो है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन जो होता है टेक्निकली उसे जो जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं एरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ बार्ले, इज रिकमेंडेड फॉर लेट सोन एंड अन इरीगेटेड कंडीशन ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में से किस प्रकार की जौ की जो है सिफारिश राजस्थान के देर से बुआई और असिंचित यानी कि अन इरीगेटेड स्थितियों के लिए की जाती है? तो यहाँ पे RD 2035, RD 2552, RD 2508, RD 2592। तो सोनू चौधरी ऑप्शन सेकंड, आकांक्षा कावेरी ऑप्शन फर्स्ट को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो सभी लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड भी, राजकिशोर ऑप्शन थर्ड, परमेश्वर फर्स्ट, श्वेता फर्स्ट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स जो वैरायटी है वो आपकी है RD 2508। तो यहाँ पे जो है इस वैरायटी को आप याद रखिएगा जो कि लेट सोइंग और अन इरीगेटेड कंडीशन में जो राजस्थान के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है RD 2508। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड सॉकिंग ऑफ पिरामिनेट विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एम्स एट इम्पार्टिंग। सोडियम सल्फेट समाधान के साथ बाजरे के बीज भिगोने का उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पे साल्ट टॉलरेंस होगा, यहाँ पे डिसीज रेजिस्टेंस, ईयरलीनेस होगा, या फिर आपका ड्रॉट टॉलरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर करें आप सभी लोग जल्दी से। आंसर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आ रहा है यहाँ पे। ओके अजय ऑप्शन फर्स्ट, कावेरी ऑप्शन फोर्थ। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12th है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पे, साल्ट टॉलरेंस। साल्ट टॉलरेंस इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की खेती नहीं है? रैंचिंग, स्टेट फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, या फिर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो यहाँ पे आपको वो बताना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि एक फार्मिंग का टाइप नहीं है। ओके ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, सेकंड भी संदेश ऑप्शन सेकंड, राजकिशोर, ज्योति, सभी लोग फर्स्ट को ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट के साथ में मेजोरिटी ज़्यादा नजर आ रही है। सेकंड चांदनी, अमोल, धनेश्वर वानखेड़े ऑप्शन सेकंड को ये सभी लोग कर रहे हैं। अजय ऑप्शन फर्स्ट, अमानी रेड्डी सेकंड, परमेश्वर सेकंड। आंसर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकंड ही होगा। रैंचिंग भी एक फार्मिंग का ही मेथड है, यहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है रैंचिंग और स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड। तो स्टेट फार्मिंग का कोई टाइप नहीं है, ये फार्मिंग का टाइप नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज इमोबाइल इन प्लांट्स? निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा तत्व तो पौधों में स्थिर है? ओके थर्ड यहां पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड कैल्शियम। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन थर्ड को, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सभी का, ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 14th का, कैल्शियम इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन टू ऑर्गेनिक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज? दो जैविक पादप घटकों में अकार्बनिक पौधे के पोषक तत्वों के चयापचय परिवर्तन को कहा जाता है? फिक्सेशन कहेगा, एसिमिलेशन होगा, फ्यूजन होगा, या मोबिलाइजेशन। ओके ऑप्शन फोर्थ सेकेंड, वैष्णवी फोर्थ, अमोल सेकेंड, धनेश्वर जी सेकेंड, फोर्थ आकांक्षा फोर्थ, जय प्रताप रवि ऑप्शन फर्स्ट को, और राम्या सेकेंड के, ज्योति फर्स्ट, परमेश्वर आकांक्षा फोर्थ, परमेश्वर सेकेंड। चलिए आंसर कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड होगा, एसिमिलेशन कहते हैं उसे, कहा जाएगा एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि कल का क्वेश्चन है, इस पे काफ़ी लोगों ने कल जो है इस पे जो है डाउट्स था सभी को, तो कल का भी क्वेश्चन बिल्कुल सही था। उसमें क्या था मैं उसके पहले आप लोगों को बता दूं, कल जो है मैंने यहाँ पे AM कर रखा था, यानी 6 AM to 10 AM। तो यहाँ पे जो है कल का आंसर जो था वो फोर्थ था, वो बिल्कुल सही था कल का। और लेकिन आज मैं इसको चेंज करके लाया हूँ, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 6 AM to 10 PM। ये 7 डेज चलता है, तो इसका आज का जो क्वेश्चन है वो राय जो है फर्स्ट होगा। जो कल का क्वेश्चन है उसको मैं उसमें पिन कर दूंगा वहाँ पे भी। उसमें क्या हुआ था कि जो पहले का यानी कि जो ओल्ड टाइम था वो आपका फोर्थ ही था, पहले का पुराना जो टाइम है वो फोर्थ ऑप्शन है, और जो नया अब जो टाइम आया है वो ऑप्शन फर्स्ट हो गया है। लेकिन मैंने कल के ऑप्शन में यहाँ पे AM कर रखा था, तो वो भी आंसर सही था। यहाँ पे भी आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज NPK कंपोजिशन ऑफ नाइट सॉइल इज अबाउट। तो यहाँ पे आपको बताना है एवरेज NPK कंपोजिशन ऑफ नाइट सॉइल के लिए कितना होता है, जो आपकी नाइट सॉइल होती है उसके लिए कंपोजिशन बताना है कि कितना होगा। सेकेंड आंसर है 5.542%। ओके, बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है, और सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही किया है। ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नहीं, ऑप्शन सेकंड होगा। नाइट सॉइल जो है ये आपके अधिकतर जो यूज़ की जाती थी, आपके जो रबिस मटेरियल कह सकते हो जितना भी होता है, इसको हम फेकल कचड़ा, फेकल कीचड़ के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। नाइट सॉइल जो होती है फेकल कीचड़ के भी नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें जो NPK का जो कंपोजिशन होता है वो 5.5 और 4.0 या 2.0 के परसेंटेज में होता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो सही होगा, और नाइट सॉइल को जो है फेकल कीचड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओके द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें यहाँ पे, ये जो द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया वो किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। यहाँ पे ऑप्शन सेक आ रहा है, ऑप्शन फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट भी आ रहा है, वैष्णवी रेड्डी फोर्थ को मार्क कर रहे हैं, कावेरी दीपू आकांक्षा सभी लोग ऑप्शन फोर्थ को मार्क कर रहे हैं, जे वॉन लिव लाइबिग। ओके, लिव, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ होगा। ये जो द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशंस था वो फोर्थ ऑप्शन जो है आपके JVL के द्वारा दिया गया, नहीं कि लाइबिग के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल सॉयल टेस्ट लेवल वॉज गिवन बाई। महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण स्तर की अवधारणा द्वारा दिया गया था, तो ये किसके द्वारा जो है दिया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल व लेवल, तो ये किसके द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया आपको बताना है। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, अजय सेकंड को, राम्या थर्ड को कर रहे हैं यहाँ पे, पवन ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं, नवीन ऑप्शन फोर्थ, दीपू थर्ड, शुभम यादव थर्ड। चलिए आंसर करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन सेकंड थर्ड आ रहा है, कैट एंड नेल्सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन थर्ड को मार्क किया वो सभी लोग सही हैं, कैट एंड नेल्सन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, यानी कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज, नीली हरी शैवाल और भी किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है और आप सभी को भी आंसर पता होगा, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पे नवीन थर्ड, दीपू फर्स्ट, ज्योति बा ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ सेकंड, फोर्थ आ रहा है श्वेता, प्रज्ञा
प्रसन्नजीत विश्वास ऑप्शन फोर्थ, लक्ष्मण फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं। चलिए चांदनी वर्मा थर्ड को, महावीर फोर्थ, राजकिशोर फोर्थ। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ ही होगा। यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन फोर्थ को मार्क किया वो सभी लोग सही हैं। जो ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गे होता है उसे साइनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमाकृति इज अ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। गोमाकृति जो है वो किसकी एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है, कौन से फल की जो है एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है। पोमेग्रेनेट, अनार, बेर, आपका बेर जो होता है, ग्रेप, अंगूर, फालसा। फालसा तो यहाँ पे बेर, सचिन, संदेश, बेर, यानी सेकंड, सोनू चौधरी ऑप्शन सेकंड। सभी लोग सेकंड को अधिकतर आ रहा है आंसर, सेकंड सेकंड, सुरेखा ऑप्शन सेकंड, वैष्णवी, प्रसन्नजीत ऑप्शन सेकंड। तो सभी लोग सेकंड को कर रहे हैं तो आंसर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट भी आ गया यहाँ पे अजय के द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि गोमाकृति जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है वो कौन से फ्रूट क्रॉप की है, बेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपेन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम विच क्रॉप, फ्रूट क्रॉप। पपेन किस फल की फसल को बढ़ाया जाता है, बढ़ाता है या बढ़ाए किसके इसके द्वारा बढ़ाया जाता है, पपाया, मैंगो, लीची या बनाना। ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, चांदनी, लक्ष्मण, कावेरी, सभी लोग ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं। तो सभी लोग आंसर करते रहे क्वेश्चन नंबर 22 का। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, पपाया यहाँ पे जो है राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त है, मैंगो, गुआवा, बनाना, पपाया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें आप सभी लोग, सेकंड आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ही होगा। यहाँ पे गुआवा जो है सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है जेली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल सुटेबल फॉर कैनिन इज, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी है, पी, ब्रिंजल, चिली या रेडिस। कावेरी ऑप्शन सेकंड। पी ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ भी आ रहा है नवीन बेनीवाल ऑप्शन फोर्थ को, रेडिस को मार्क कर रहे हैं, और संदेश पी, और भी पी, फर्स्ट आंसर भी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। जो डिब्बाबंद जो ब्लांचिंग के जिसमें ब्लांचिंग की जाती है, जैसे पी जो होता है, पी को जब पैकिंग की जाती है तो उसकी जो है पहले क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। तो वही यानी कि बहुत ही लो उस पर जो है हीट करना या फिर उसको हल्का सा गर्म करना। तो इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटनिंग डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू, बटनिंग डिसऑर्डर किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी, बोरान की कमी, कैल्शियम की अधिकता की वजह से, या नन ऑफ दीज यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। ओके फर्स्ट आ रहा है, बटनिंग डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू। थर्ड आ रहा है यहाँ पे आंसर, थर्ड भी आ रहा है। फोर्थ भी आंसर आ गया है। ओके चलिए आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25th है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन की कमी से जो है बटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकंड होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिबल पॉडेड वेराइटी ऑफ पी, मटर की खाने योग्य किस्म कौन सी है, सिल्विया, जवाहर मटर, यानी कि एडिबल पॉडेड वैरायटी तो कौन सी होगी, सिल्विया होगी, जवाहर मटर चार फोर, या फिर आर्केल, नन ऑफ दीज। आंसर फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सोनी चौधरी फर्स्ट, अजय थर्ड, दीपू सेकंड। ओके लक्ष्मण, आकांक्षा फर्स्ट, अर्जुन थर्ड। आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट होगा। यहाँ पर सिल्विया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ग्लेडियस इज, तो यहाँ पे आपको बताना है ग्लेडियस की व्यावसायिक विधि है सब बटनिंग के। देखते हैं कौन से क्वेश्चन की बटनिंग क्या हुआ, उसमें कुछ ऑप्शन गलत हो गया क्या? ओके वन मिनट वन मिनट, ये आपका सेकंड लग गया ना। हाँ बिल्कुल नहीं, ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, डिफिशेंसी ऑफ नाइट्रोजन। सही है, बिल्कुल सही है, वो वहाँ पे जो है मुझसे बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बटनिंग, बटनिंग ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जो है बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पे। वहाँ पे जो है जल्दी में जो है मार्क हो गया, ऑप्शन फर्स्ट ही होगा यहाँ पे, परेशान ना होइए। और डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल सही है, बटनिंग के लिए, हाँ बिल्कुल वहाँ पे फर्स्ट ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ग्लेडियस ग्लेडियोलस इज, बल्ब, कॉर्म, सीड, बडिंग। ओके सेकेंड आंसर आ रहा है कॉर्म। फोर्थ दीपू, ऑप्शन फोर्थ को मार्क कर रहे हैं, बाकी तो सेकेंड आंसर आ रहा है। शुभम यादव फोर्थ को, संजय, जय सभी लोग सेकेंड को मार्क कर रहे हैं। चलिए आंसर करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड होगा, यहाँ पे कॉर्म जो है इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकेंड जो है, जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन सेकेंड को मार्क किया वो सभी लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुटेबल टाइम ऑफ बडिंग इन रोज इज, तो यहाँ पे आपको बताना है सुटेबल टाइम बताना है बडिंग के लिए रोज़ में। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, संदेश ऑप्शन फर्स्ट कर रहे हैं आंसर। तो सभी लोग आंसर करते रहे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दिसंबर, जनवरी। अर्जुन, अनुज जो है ऑप्शन सेकंड को मार्क कर रहे हैं, और बाकी तो आंसर अधिकतर ऑप्शन फर्स्ट के आ रहे हैं, तो सभी लोग ऑप्शन फर्स्ट को कर रहे हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट ही होगा यहाँ पे, दिसंबर टू जनवरी, यानी दिसंबर जनवरी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बडिंग का जो सुटेबल टाइम है वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी दिसंबर टू जनवरी, दिसंबर जनवरी बिल्कुल इसके लिए सुटेबल टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक गार्डन इज सिचुएटेड एट, रॉक गार्डन कौन सी सिटी में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर। ऑप्शन थर्ड आ रहा है यहाँ पे, अनुज ने आंसर किया, अनुज मौर्य ऑप्शन थर्ड को मार्क कर रहे हैं। ओके चंडीगढ़, चंडीगढ़ सभी लोग जो है चंडीगढ़ के, महावीर मीना ऑप्शन थर्ड, चंडीगढ़, चंडीगढ़। चलिए आंसर कर लेते हैं, फोर्थ भी आंसर आ रहा है यहाँ पे, जयपुर, परमेश्वर कामले ऑप्शन फोर्थ को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, चंडीगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैजुअल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज एंड रॉटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज, सब्जियों के खराब होने और सड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन सा है? फंगी, वायरस, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन थर्ड आ रहा है, गोपी, वैष्णवी ऑप्शन थर्ड को मार्क कर रहे हैं, नहीं वैष्णवी ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रही हैं, फंगी को, प्रजन और प्रसन्नजीत फर्स्ट, फर्स्ट 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 आंसर आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड और फर्स्ट आ रहा है, चलिए आंसर करते हैं तब। चलिए सभी लोग आंसर करते रहे यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, बैंगन की छोटी पत्ती होने का कारण क्या है? फंगी, माइकोप्लाज्मा, वायरस या बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें सभी लोग, सेकेंड माइकोप्लाज्मा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सेकेंड आ रहा है। मैत्री सोलंकी ऑप्शन सेकंड मार्क कर रहे हैं, फोर्थ दीपू ऑप्शन फोर्थ, दीपू सेकंड भी है, फोर्थ भी। ओके
थर्ड चांदनी वर्मा, ऑप्शन थर्ड कावेरी, सेकंड अमोल, सेकंड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सेकंड होगा, माइकोप्लाज्मा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी टेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, फूल गोभी में वी टेल की कमी किसकी कमी के कारण होता है या हो जाता है, कॉपर, आयरन, मॉलिब्डेनम या कैल्शियम। ऑप्शन थर्ड आंसर आ रहा है, मॉलिब्डेनम। ओके तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये जो है आप सभी लोग इनको जरूर लर्न कीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्ड आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर आप सभी का थर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आप सभी लोग इन्हें जो है अच्छे से रीड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाई, मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है किसके कारण होता है, फिशेरियम, ऑप्शन फोर्थ सेकंड। ओके विवेक कुमार, फोर्थ शेरिन सुल्ताना, ऑप्शन सेकंड प्रसन्नजीत, सेकंड अनुज मौर्य, फोर्थ और राम्या सेकंड। चलिए आंसर करते हैं, जय महावीर, ऑप्शन फोर्थ सेकंड आंसर आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकंड ही होगा। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन सेकंड को मार्क किया वो सभी लोग यहाँ पे सही हैं। कैरकोस पोरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंगस एसोसिएटेड विद लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो इज, टमाटर के लेट ब्लाइट से जुड़ा हुआ फंगस कौन सा है, तो इस क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करें जल्दी से। सेकंड आंसर आ रहा है यहाँ पे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ओके सेकंड आंसर सभी लोग, अजय, शुभम, महावीर सभी लोगों ने ऑप्शन सेकंड, सुरेखा, कावेरी और प्रसन्नजीत सभी लोग सेकंड को मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशंस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट नॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय विच नेमाटोड्स, जो जड़ और गांठ यानी कि रूट और नॉट का जो रोग होता है तो वो किस नेमाटोड्स की के कारण होता है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन थर्ड आ रहा है आंसर, मेलाडोजिन। ओके थर्ड थर्ड आंसर आ रहा है, तो आप सभी लोग आंसर करते रहें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 35, इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड ही होगा। यहाँ पर सभी लोगों ने आंसर सही किया इस क्वेश्चन का, एक का भी यहाँ पे आंसर जो है गलत नहीं है, सभी ने बहुत अच्छा किया और सभी का आंसर सही है। सेकंड विवेक कुमार ने आप सेकंड मार्क किया, तो सेकंड नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, और बाकी सभी लोगों का आंसर सही है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप इन कैबेज, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप को जो है एज ए ट्रैप क्रॉप यूज किया जाता है कैबेज में, यानी कि गोभी में, काउपी, कॉटन, इंडियन मस्टर्ड या फिर मैरीगोल्ड। तो सभी लोग आंसर करते रहे, यहाँ पर आंसर आ रहा है थर्ड, फोर्थ भी आ रहा है, सुरेखा राठौर। ओके याशीन फोर्थ, संजय फोर्थ, राजकिशोर थर्ड, तो आंसर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर। इंडियन मस्टर्ड को जो है ट्रैप क्रॉप की एज ए ट्रैप क्रॉप यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, इंडियन मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 है, हेलिकोरपा आर्मीगेरा इज द मेजर पेस्ट ऑफ, हेलिकोरपा आर्मीगेरा जो है किसका प्रमुख कीट है, ब्रिंजल, ग्राम, मस्टर्ड या पटेटो। ओके यहाँ पे आंसर सेकंड आ रहा है, ग्राम, सेकंड सेकंड सभी लोगों ने सेकंड मार्क किया, यहाँ पे आंसर सेकंड कर रहे हैं, तो आंसर कर लेते हैं। तो आंसर जो है बिल्कुल सही है आप सभी का, ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ग्राम जो है करेक्ट आंसर है। हेलिकोपा अमेरिका आर्मीगेरा जो है मेजर पेस्ट जो है वो आपका ऑप्शन सेकंड यानी कि ग्राम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिटिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा मिटिसाइड है, एसीफेट या फिर इमिडियक्लो प्रेड होगा या फिर ओमेट
57 या फॉरेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिटिसाइड कौन सा है निम्नलिखित में से। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ज्योति, थर्ड सोनू चौधरी फर्स्ट कर रहे हैं आंसर, फोर्थ भी दीपू कावेरी ऑप्शन फर्स्ट, प्रसन्नजीत सेकंड। तो आंसर कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है वो डिफरेंट डिफरेंट आया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ओमाइट 57। ओमाइट 57 क्या है कि मिटिसाइड है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा ऑप्शन सेकंड थर्ड जो है राइट आंसर होगा ओमाइट 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ग्रब, सफ़ेद जो वाइट ग्रब जो है यहाँ पर, तो इसका जो है आपको वैज्ञानिक नाम बताना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करें आप सभी लोग जल्दी से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गोपी ऑप्शन फोर्थ, नवीन सेकंड, धनेश्वर ऑप्शन सेकंड, थर्ड भी आंसर आ रहा है महावीर सेकंड, जय प्रताप ऑप्शन थर्ड और दीपू सेकंड। चलिए आंसर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर आ रहा है ओके अक्षय ऑप्शन सेकंड, प्रसन्नजीत सेकंड, अजय फोर्थ कर रहे हैं, चांदनी वर्मा सेकंड, लक्ष्मण सेकंड। तो इसका राइट आंसर और जो है ऑप्शन सेकंड ही होगा। याद रखिएगा होलो ट्रिचिया जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सॉल्व्ड इंसेक्टिसाइडल पॉइजन विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव, निगलने वाले कीटनाशक जहर के मामले में कौन सा उपचार सबसे प्रभावी है। वॉमिटिंग एंड स्टमक वॉश बी डन, उल्टी और पेट की सफाई, या फिर वॉशिंग बाय सॉप, या यूज ऑफ बर्नॉल, बर्निंग इमिडिएटली इन ओपन एरिया। ब्रिंग ब्रिंग ऑप्शन सेकंड फर्स्ट आ रहा है आंसर, श्रुति ऑप्शन सेकंड कर रही हैं और बाकी अधिकतर आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है। तो सभी लोग आंसर करते रहें, फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे। विवेक, प्रसन्नजीत, प्रज्वल ऑप्शन फर्स्ट कर रहे हैं, क्रिस लाल ऑप्शन फर्स्ट, शक्तिमान शक्तिमान वर्मा यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट कर रहे हैं, अनुज, महावीर, विवेक, सभी लोग ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट होगा, वॉमिटिंग एंड स्टमक वॉश बी डन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि आप लोगों ने जो है 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया यहाँ पर, जिससे कि आपको भी एक एवरेज आपको लग जाएगा कि हाँ आपके जो है आप सभी लोग जो है जल्दी से बताएं कि आपने आज जो है 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया है, जिससे कि आप सभी का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ आपको जो है इतना आपने सही किया। और सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आप लोगों के, ये सभी क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इन्हें याद रखिएगा। हाँ करंट अफेयर पे मैं जो है क्लास लेकर आऊँगा, बिल्कुल लेकर आऊँगा करंट अफेयर की क्लास, और वीडियो कुछ पढ़े हुए हैं आप उनको भी देख लीजिएगा दोस्तों, करंट अफेयर के वीडियो पढ़े हुए हैं। और मैं आज जो है आज मैं क्विज नंबर 31 जो है अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, जो जिसमें कि करंट पे ही क्वेश्चंस होंगे। हाँ PDF बिल्कुल मिल जाएगी, विद आंसर मिलेगी, अजय आप परेशान ना हो, विद आंसर को मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने बताया कि किन्होंने कितने आंसर सही किए हैं, तो आई होप आप सभी को बहुत ही आप सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और तो दोस्तों आपसे मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आप सभी लोग जो है जल्दी से जो है यहाँ पे प्रज्वल जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज जो है, वो हमारे जो है एक नए सब्सक्राइबर बने, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ पे जो है मैंने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए एक वीडियो मैंने प्रसन्नजीत ऑप्शन मैंने जो है इसे जो है मैंने अपलोड कर दिया, आप उसे देख लीजिएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों सभी लोग जल्दी से जो है आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम के 5 बजे नए क्वेश्चंस के साथ में, नए जोश नए उमंग के साथ में, ऐसे ही हम तैयारी करेंगे सब लोग साथ में, बिल्कुल जो है डट के तैयारी करेंगे, तो ताकि आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी जो है बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ में और मैं आप लोगों के साथ में, तो इसका जो जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप सभी लोग सक्सेस होते हैं आपको जॉब मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम के 5 बजे, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।